नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो स्पॉन्सर की गई है 11wickets.com वेबसाइट के द्वारा, जो कि एक फैंटेसी गेम वेबसाइट है और जिस पर आप गेम खेल करके लाखों रुपए कमा सकते हो। ये सेम ऐसी वेबसाइट नहीं है जैसा कि आप सोच रहे हो। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा फीचर मिलता है जिसमें कि आप 12th मैन भी अपनी टीम के अंदर जोड़ सकते हो और उस 12th मैन का फ़ायदा आपको सबसे ज़्यादा मिलता है। तो आपको क्या करना है, इसको ज्वाइन कर लेना है। मैं आपको ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, उस लिंक से आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। और ज्वाइन करते वक्त आपको मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप मेरे रेफरल कोड से ज्वाइन करोगे तो आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे, और साथ ही अगर आप भी अपना रेफरल कोड आगे शेयर करते हो तो आपको और आपके फ्रेंड को 50 रुपये मिलते जाएंगे। इस प्रकार से आप गेम खेल करके लाखों रुपए कमा सकते हो, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ महाडिस्कॉम यानी कि महावितरण भर्ती 2019 के बारे में आज का ऑफिशियल अपडेट। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, जानकारी देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि ये जानकारी उन सभी लोगों तक पहुँच जाए जिन लोगों ने इसके अंदर अप्लाई किया है या फिर जो लोग इसके बारे में इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ पूरी जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मैं आपको डेली इसके बारे में अपडेट देता आ रहा हूँ, चाहे वो अपडेट छोटा हो चाहे फिर बड़ा हो। अब जो अपडेट मैं आपके लिए आज लेकर के आया हूँ वो अपडेट है आपका इस भर्ती के बारे में कि क्या ये भर्ती कैंसिल तो नहीं हो जाएगी, क्योंकि जो इसका एक प्रूफ है वो सामने देखने को मिला है। मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले 1 अगस्त को भर्ती निकाली गई थी MSEDCL के अंदर, जो कि थी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी एंड डिप्लोमा इंजीनियर ट्रेनी की, जो कि लगभग 450 पदों के लिए निकाली गई थी। और जिसका फॉर्म का अप्लाई ऑनलाइन का लिंक एक्टिवेट होना था वो आपका 7 अगस्त 2019 को होना था, पर आज जो आपकी डेट है वो 9 अगस्त हो चुकी है, पर अभी तक भी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ है, इसके पीछे की जो वजह सामने आ रही है वो वजह ये है कि जो अभी 5 अगस्त को आपकी सुनवाई हुई थी महाडिस्कॉम के ऊपर, जिसमें कि आपकी विद्युत सहायक भर्ती भी आती है और उपकेंद्र सहायक भी भर्ती भी आती है, तो उसमें मैंने आपको उसके बारे में पूरी जानकारी दी है, जिस पर जो याचिकाकर्ता है उन्होंने आपत्ति उठाई थी कि जब तक जो यहाँ पर केस चल रहा है ये कोर्ट में है, तब तक महाडिस्कॉम कोई भी भर्ती नहीं निकाल सकता, ना ही नई तरीके से कोई किसी भी कैंडिडेट को अपॉइंट कर सकता है। पर उसके बाद इन्होंने जो भर्ती निकाली गई है विद्युत सहायक की और उपकेंद्र सहायक की, वो तो निकाली ही थी, और उसके बाद फिर इन्होंने 1 अगस्त को ये भी निकाली थी जो आप अभी वीडियो में देख पा रहे हो। उसके बाद जैसे ही 5 अगस्त को सुनवाई हुई, सुनवाई होने के बाद जो इसका लिंक 7 अगस्त को एक्टिवेट होना था वो अभी तक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उसका असर देखने को मिला है। जो लताड़ महाडिस्कॉम को कोर्ट ने लगाई है उसको देखते हुए अब इन्होंने जो लिंक है शायद वो एक्टिवेट नहीं करना है, और इसके बारे में जल्द ही यहाँ पर एक ये नोटिफिकेशन एक्स्ट्रा डाल सकते हैं, जिसमें कि ये कबूल भी करेंगे कि हाँ हम इस भर्ती को रद्द कर रहे हैं, या फिर आपको रीज़न देंगे कि इस रीज़न की वजह से हम इसके जो फॉर्म फिलअप का डेट है वो आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर हम इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो इसके बारे में आपको जल्द ही सुनने को मिल जाएगा। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने 2 दिन वेट किया, और 2 दिन वेट करने के बाद ही मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ। पहले जब आपकी विद्युत सहायक और उपकेंद्र सहायक की भर्ती निकली थी, उसका लिंक आपका जो जिस डेट को एक्टिवेट करने के लिए बोला था, तो उस दिन ही बिल्कुल एकदम इन्होंने जैसे ही डेट बदली रात के 12 बजे तुरंत 2 मिनट बाद एक्टिवेट कर दिया था, क्योंकि तब तक उसके ऊपर कोई भी इस तरह का मामला सुनने में नहीं आया था। पर अभी जैसा कि आप सब जानते हो कोर्ट में सुनवाई हुई, सुनवाई के अंदर इन्हें 2-3 पॉइंट के अंदर, आपने अगर वो रीड किया होगा जो आपको मैंने वीडियो के अंदर दिखाया था, तो वहाँ पर आपने देखा कि कोर्ट ने बोला है या फिर उनके पास इसका अधिकार था जिन लोगों ने याचिका दर्ज की थी, कि जब तक फैसला नहीं हो जाता और ये बात कोर्ट के अंदर है या फिर कोर्ट इसका समाधान नहीं कर देती, तब तक महाडिस्कॉम को कोई हक नहीं है नई भर्ती निकाले और नए लोग अपॉइंट करें। तो इस वजह से इन्होंने निकाली, उसके बाद फिर से निकाली जो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, और इस बार तो शायद ये समझ चुके हैं कि अब हम इसको एक्टिवेट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर इनके ऊपर कोर्ट जुर्माना भी लगा सकती है। अब ये तो देखना बाकी है कि क्या सच में ये इसी का असर है, क्योंकि ये एक अंदाज़ा है, मैं इसके बारे में अभी तक श्योर नहीं हूँ, पर जितनी जानकारी मैं समझ पाया हूँ तो उसी से तो यही लगता है कि ये कोर्ट की सुनवाई का ही असर है। और आपको 19 अगस्त को एक बहुत बड़ी दुख खबरी या फिर खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
दुख खबरी तब होगी अगर भर्ती कैंसिल हो जाती है, और खुशखबरी तब होगी अगर प्रोसेस चलता रहता है। तो ये आपको 19 अगस्त को मालूम होगा जो भी इसके अंदर होने वाला है। तो मुझे इसके बारे में जो जानकारी हुई थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब ये आप बताइए कमेंट के माध्यम से कि आपका क्या मानना है इस बारे में, क्या ये जो मैंने यहाँ पर आपको बताया है सही हो सकता है या फिर गलत है। तो जो भी है आप अपनी राय दीजिए, पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप गाली का इस्तेमाल मत कीजिएगा कोई भी बात कहने में, क्योंकि उससे फिर मैं आपकी बात का रिप्लाई भी नहीं कर पाता। तो दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ उस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, साथ ही साथ बैल के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूले, क्योंकि उसी से आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाएंगे। जय हिंद दोस्तों।